हर हर महादेव। देखिए एक हमारे मिलने वाले ही पंडित जी हैं, उन्होंने प्रश्न किया हुआ है। वे कह रहे हैं कि हमने शास्त्रों में कहीं पढ़ा है कि सात गोत्र और 101 कुल होते हैं, कोई इनका कहाँ और कब जो है आवश्यकता रहती है, ये भी होते हैं क्या? तो देखिए 101 कुलों की चर्चा और हमारे सात गोत्रों की चर्चा शास्त्रों में है और वो श्राद्ध के विषय में है। धर्म सिंधु और निर्णय सिंधु ये दो निबंध ग्रंथ हैं, इनमें धर्मशास्त्र की दृष्टि से खूब स्मृतियों के वचनों को लिख करके स्मृतियों के वचनों के सिद्धांतों को प्रतिपादित करते हुए और ये बात कही गई है। देखिए हमारे सात गोत्र होते हैं, वो कौन कौन से हैं कि पिता माता च भार्या च भगिनी दुहिता तथा पितृ मातृ स्वसा चैव सप्त गोत्राण वै विदुः। पिता का गोत्र, माता का गोत्र, पत्नी का गोत्र भार्या, भगिनी मान बहन का गोत्र और दुहिता तथा और बेटी का गोत्र। पितृ मातृ स्वसा, पिता की बहन यानी बुआ और मातृ स्वसा माता की बहन यानी मौसी चैव सप्त गोत्राण वै विदुः, ये सात गोत्र कहे गए हैं। इन सात गोत्रों की शुद्धि होनी चाहिए जीवन में परिवार में। देखिए और कहते हैं कि 101 कुल होते हैं, तत्वान विंशति नृपा द्वादशी का दशा दशा अष्टावित्ति च गोत्राणाम कुल मेकोत्तरम शतम। बोले पिताजी के तत्वानि माने 24 कुल, माता विंशति माता के 20 गिनते जाना जो है कुल, और भार्या नृपा भार्या के नृपाह माने 16 और भगिनी द्वादश भगिनी के बहन के कुल जो है 12 और दुहिताई का दशा दुहिता के एकादश है ना, और पितृ स्वसा दशा और मातृ स्वसा 8 ये मिला करके गोत्राणाम कुलम एकोत्तरम शतम, ये मिला करके कुल 71 हो जाते माने 101 हो जाते हैं। इतने कुलों की शुद्धि की चर्चा है, इतने कुलों की इतनी पीढ़ियों तक का श्राद्ध, इतने पीढ़ियों तक के लोगों का श्राद्ध से उद्धार, ये सब चर्चा शास्त्रों में है। तो इतने गोत्र शुद्ध होना चाहिए, इतने कुल पीढ़ियों के उद्धार के उद्देश्य से श्राद्धादि कर्म किए जाते हैं। हर हर महादेव।